फ्रीलांसिंग क्या है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर और फ्रीलांसर बन के बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा जब ऑनलाइन अर्निंग की बात होती है कि फ्रीलांसिंग कर लो, फ्रीलांसर का कोर्स कर लो या फ्रीलांसिंग करना सीख लो, फ्रीलांसर बनकर आप पैसे कमा सकते हैं। तो हाँ, वास्तव में फ्रीलांसर बन के पैसे कमाते हैं और लोग बाग, मतलब आपको पता होना चाहिए फ्रीलांसर है क्या। तो आप देखोगे कि आपके आसपास भी आपने बहुत सारे फ्रीलांसरों को देखा होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सीखते हैं क्या है फ्रीलांसर और किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो फ्रीलांसर बनके। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के साथ साथ भी पैसे कमा सकते हो, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के साथ भी पैसे कमा सकते हो, या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके साथ भी अलग से पैसे कमा सकते हो आप। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब आपको समझाते हैं। पहले फ्रीलांसिंग का मतलब होता है अपनी किसी स्किल के बदले में पैसे कमाना। ठीक है, स्किल यानी कि अपना हुनर, आपकी काबिलियत, आपके टैलेंट, ठीक है, आपके अंदर कोई कौशल है उसके आधा, उसके लिए आप पैसे कमाओगे, उससे बेचकर आप पैसे कमाओगे, उसके दम पर आप पैसे कमाओगे, कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण के लिए आप समझ लो कि आप एक वेब डिजाइनिंग आती है आपके पास में, और यानी कि वेब डिजाइनिंग का काम आप पर आता है। ठीक है, और आप किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जॉब कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप क्या है कि आप मान लीजिए आपके पास आप पर वेब डिजाइनिंग आती है और आपका कोई भी जानकार, ठीक है, आपका कोई जानकार आपसे कहता है कि क्या आप मेरी वेबसाइट को डिजाइन करोगे, तो आप क्या कहते हो, हाँ कर देते हो। आप हाँ कह देते हो और आप उस अपने जानकार का, आप उस अपने जानकार का ऑफिस के बाद, यानी कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो उसके बाद रात में कभी समय निकालकर, यानी कि आप अपने समय निकालकर, अपना टाइम निकालकर उसकी जो वेबसाइट है उसको डिजाइन करते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास वेब डिजाइनिंग का कोर्स आता है और आप अपना समय निकालकर वेब डिजाइन कर देते हो। करने पर क्या होगा कि वह जो आपका जानकार व्यक्ति है, जब उसका काम आप कर दोगे तो वो क्या होगा, आपको आपका मेहनताना देगा। मेहनताना का मतलब आपकी फीस देगा, आपको कुछ पैसे देगा, क्योंकि आपने उसका काम किया है। तो उसी काम को हम बोलते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसिंग जॉब, इसी जॉब को बोलते हैं फ्रीलांसिंग जॉब। जैसे कि मेरे को मान लीजिए, मैं इसी स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मुझ पर पढ़ाई आती होगी। जैसे कि मान लीजिए आप अभी कुछ मोस्टली स्टूडेंट ट्वेल्थ में हैं, ठीक है, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के एग्जाम दे दिए, अब बीएससी वगैरह करेंगे, बीएससी बीए वगैरह करोगे, तो आपने जब ट्वेल्थ कर लिए तो आप जाहिर सी बात है आपको ट्वेल्थ का सारा कुछ आता है, इलेवंथ का सारा कुछ आता है। आप क्या करते हो कि 5, 6, 7, 9, 10 के बच्चों को क्या करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो। ठीक है, अपनी पढ़ाई के अलावा समय निकालकर आप ट्यूशन पढ़ाते हो। तो यही चीज़ आप अपने स्किल के बल पर आप क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हो और वहाँ से क्या अर्निंग कर रहे हो, तो वो भी चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी फ्रीलांसिंग। ये भी आपका फ्रीलांसिंग कहलाएगी कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसी ट्यूशन को आप, इसी ये क्या कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, इसी टीचिंग को आप ऑनलाइन माध्यम से करोगे फ्रीलांसिंग। ठीक है, ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो और भी बहुत सारे अपना एप्लीकेशन बनवा कर पढ़ा रहे हो, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, फ्रीलांसिंग कहलाएगी। यानी फ्रीलांसिंग का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि फ्रीलांसिंग में आप सीधे पर्टिकुलर किसी कंपनी या किसी फर्म के लिए काम नहीं करते, आप खुद अपने क्लाइंट ढूंढते हो और उनके लिए काम करते हो। ठीक है, एक क्लाइंट का काम पूरा हो जाएगा तो दूसरा क्लाइंट ढूंढते हो और यही सिलसिला चलता रहता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्किल बेस्ड जॉब होती है। फ्रीलांसिंग क्या है, एक स्किल बेस्ड जॉब है, यानी कि आपके अंदर जितना स्किल है उस पर आप जॉब करते हो, यानी कि उस पर आप काम करते हो और पैसे कमाते हो। ठीक है, जिसमें आप व्यक्ति अपने कौशल और हुनर से पैसे कमाता है, यानी स्किल के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यानी कि अपने स्किल के आधार पर पैसे कमाता है। किसी को डांसिंग का शौक है, डांस करके पैसा कमा रहा है, डांसिंग की वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, पैसे कर रहा है, कमा रहा है। किसी को क्या है, कॉमेडी करने का शौक है, वो कॉमेडी कर रहा है, जैसे कपिल शर्मा है अपना भैया, कॉमेडी करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर स्किल है उस पर आप उस स्किल के दम पर पैसे कमाते हो, बिना किसी फर्म में काम करके, बिना किसी कंपनी में काम करके, उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग जॉब या फ्रीलांसिंग। और जो करने वाला है उसको फ्रीलांसर बोलेंगे, भैया बन गए फ्रीलांसर। ठीक है, मेरे पे क्या है, ड्राइंग बनाना आता है, बहुत अच्छे अच्छे स्केच बना सकता हूँ, आपका कोई व्यक्ति बैठा है उसकी पेंटिंग बना सकता हूँ, तो ये मेरा फ्रीलांसिंग है। कोई आदमी आए, हाथ की पेंटिंग चाहता है, भैया एक पेंटिंग बनवाई, 2000 रुपये दिए, बन गया फ्रीलांसर। ठीक है, अब बात आएगी कि भैया फ्रीलांसिंग की जॉब, हम पे बहुत सारा टैलेंट तो है पर हमको ये नहीं पता कि फ्रीलांसर बन के हम किस प्लेटफॉर्म पर, यानी कि प्लेटफॉर्म क्या रहेगा जिस पर मैं काम करूं, यानी मुझ पर मान लीजिए कोई हुनर है लेकिन मैं कहां दिखाऊं हुनर अपना और कहां से पैसे कमाऊं, उसके लिए भी हम बात करेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, देखिएगा,
अब आता ही अब सवाल आता है कि फ्रीलांसिंग जॉब कहाँ मिलेगा, और इसका जवाब आपकी पहचान और फ्रीलांसिंग के तरीका क्या है। देखिएगा, कुल मिलाकर बात यह है, सबसे पहले आप अपने अंदर पहचानो कि भैया फ्रीलांसिंग के लिए आपको क्या चीज़ आती है, आप पर राइटिंग आती है, आप ऑनलाइन टीचिंग आती है, ब्लॉगिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कंसल्टेंसी वर्क आता है, वर्क डिजाइनिंग आती है, या वेब डिजाइनिंग आती है, या डिजिटल मार्केटिंग आती है, या आप पर क्या आता है आप पर, या ETC यानी कोई अदर काम है, तो आप बताइए कि आप पर क्या चीज़ आती है, क्या आपके अंदर स्किल है, क्या चीज़ है स्किल आपके अंदर, क्या मतलब हुनर है आपके अंदर, उस चीज़ को पहचानो आप सबसे पहली काम। फिर उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप की। ये नहीं है तो आपके पास में एक मोबाइल तो होगा ही होगा, स्मार्टफोन। ओके, इंटरनेट कनेक्शन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और एक ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों? क्योंकि आपको पैसा ही पैसा मिलने वाला है। चलिएगा, अब ये मान लीजिए आपके पास में हुनर है, कोई भी चीज़ का हुनर है, तो आपके लिए देखिए टॉप 5 वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अपने हुनर को आप प्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपसे डायरेक्टली क्लाइंट आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि टॉप टल का मतलब क्या है, टॉप टैलेंट। ठीक है, क्या है टॉप टल का पूरा फुल फॉर्म है, टॉप टैलेंट। ये एक वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट का नाम ही इसलिए रखा गया है कि ये टॉप टल का यानी टॉप टैलेंट रखा गया है। वेबसाइट पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, और इस पर क्या करते हैं, आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज या स्किल रखते हैं तो आप वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। यानी कि इस पर आप अपना अकाउंट बनाओ, अपनी जो भी स्किल है यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाओगे, अपनी स्किल के बारे में लिख दोगे, और लिखने के बाद में अपना एक मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर छोड़ दोगे, ठीक है, ईमेल आईडी वगैरह, और अपने स्किल जो है उसका कुछ डेमो रख दोगे। यानी कि कॉमेडी वीडियो लगा दो, टीचिंग पढ़ाते हो तो टीचिंग की वीडियो लगा दो, यानी कुछ भी आप उसमें एक छोटी छोटी वीडियो 1-2 मिनट की उसमें आप डाल सकते हो। तो जिससे क्या होगा कि आपका टैलेंट देख लिया जाएगा, और आपको क्या वहीं से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और देखो, आप चाहते हो कि एक ही दिन में आप सारा काम करें, तो एक ही दिन में तो आपका सोचो कि अंबानी या मुकेश अंबानी और अडानी बने हुए हैं ये, ठीक है, तो ये भी एक दिन में नहीं बने भैया। समय देना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए, समय दोगे, मेहनत करोगे, तब पैसा कमेगा। ऐसा ही नहीं है, यदि पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर कोई आदमी करोड़पति होता। ये चीज़ तो दिमाग में डाल लो, सबसे पहली चीज़ कि पैसा इतना ही आसान होता तो हर कोई आदमी करोड़पति होता, और कोई भी आदमी सरकारी जॉब की तैयारी नहीं करता, फिर तो सभी फ्रीलांसर बन के नहीं करोड़पति बन गए होते। ठीक है, पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ तो दिमाग में डाल लो। ये है एक पीओ फिलर आवर, ये क्या है, ठीक है, प्यूपल आवर, ठीक है, प्यूपल आवर, ये क्या है, एक वेबसाइट है, इस पर भी आप काम करके बहुत पैसा कमा सकते हो बहुत ही आसानी से। यहाँ आपको डिजाइनिंग, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट, राइटिंग, ट्रांसलेशन, फोटो रिटचिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, फोटोशॉप जैसा कोई भी काम आता है, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर काम करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक freelancer.com करके एक वेबसाइट है, उस पर भी आप अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वहाँ से भी आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अपवर्क एक बहुत ही जानी मानी फ्रीलांसिंग जॉब ऑफर वेबसाइट है, जो कि जॉब ऑफर करती है। ठीक है, एक फाइवर भी आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, इस पर तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। ठीक है, इस पर ऑनलाइन सर्वे देकर भी कमा सकते हो, गेम खेल कर भी कमा सकते हो, साथ में अपना फ्रीलांसिंग जॉब भी कर सकते हो, बहुत सारा इस पर चीज़ें हैं जिस पर काम कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ दो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यूट्यूब, कुछ नहीं आता तो भैया यूट्यूब पर एक चैनल बनाओ, और अपना वीडियो कोई ना कोई तो वायरल होगी, अच्छा काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, मोनेटाइज करने के बाद। और अपना एप्लीकेशन बनवा लो, कुछ नहीं तो अपना एप्लीकेशन बनवाओ और उसका प्रमोशन यूट्यूब के थ्रू करा दो। सबसे बड़ी चीज़, आप अपना एप्लीकेशन बनवा लो और यूट्यूब के थ्रू आप अपना प्रमोशन करने लगो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं बस यही कहूँगा कि भैया आप क्या कर लो, एक यूट्यूब चैनल बना लो। ठीक है, एक क्या कर लो, यूट्यूब चैनल बना लो, और उससे आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब पैसा आने लगे उसी पैसे को पहले अपने बिजनेस में लगा दो, और अपने आप को स्किल कर लो, बहुत अच्छा सा डेवलप कर लो, पैसा ही पैसा होगा। ठीक
ठीक है। तो YouTube चैनल, ये सारी चीज़ें फ्री की हैं, किसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप फ्रीलांसर बन सकते हैं और यही काम है आपका। अपने काम की वीडियो बनाओ, YouTube पर डालो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालो, Facebook पर डालो अपने काम का वीडियो बनाकर, वहाँ से भी आप यानी आपका जो हुनर है, स्किल है, काई को पसंद आएगा, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ और पैसे कमाने का रास्ता आपको दिया होगा। कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।